देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा। और मेडिकल कॉलेज देखिए, पैरामेडिकल देखिए, आपके स्टाफ ही नहीं है, नर्सेस नहीं, सब आउटसोर्स करे दे रहे हो आप, ऑपरेशन हो नहीं पा रहा टाइम पर, जांचेस टाइम पर नहीं हो पा रही, तो आप कर क्या रहे हो? स्वास्थ्य विभाग बर्बाद कर दिया। अग्निवीर, आउटसोर्स, प्राइवेटाइजेशन, अगर अग्निवीर की नौकरी है तो क्या ये आधी अधूरी नौकरी नहीं है? और जान अगर गई है तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है। और वो बीजेपी का सदस्य था, आखिरकार कैसे मारा गया? धनर की जान चली जाए, इससे बड़ी बुरी बात नहीं हो सकती। जनता पार्टियों को ये बताना चाहिए कि सुरक्षा के समय पर उन्होंने जो जांच की थी वो जिम्मेदारी किसकी थी? इंटेलिजेंस फेलियर है, किसी को गनर ऐसे नहीं दिए जाते। अगर किसी को गनर दिए जाते हैं उसके लिए बाकायदा उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगाई जाती है कि इसको सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं है। विपक्ष के लोग सुरक्षा नहीं देते, सरकार सुरक्षा की जिम्मेदार है, सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा देना है और एक आम नागरिक को सुरक्षा देना, और तब जब उसकी रिपोर्ट ये रही होगी कि उसको सुरक्षा की जरूरत है। और वो बीजेपी का सदस्य था, आखिरकार कैसे मारा गया? धनर की जान चली जाए, इससे बड़ी बुरी बात नहीं हो सकती। क्या सरकार की जानकारी भी नहीं थी और गनर की जान चली गई? एक नहीं, दो दो गनर चले गए, जो सबसे महत्वपूर्ण गवाह था उसकी जान चली गई। आखिर सरकार क्या कर रही थी? जैसे शूटिंग होती है उस तरह का नजारा देखा लोगों ने, वो सब कुछ कैद है कि बम चला है, बंदूकें चली हैं और लोगों की जान गई है। ये सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, और सरकार की संस्था है इंटेलिजेंस और सुविधाएं। जब ये विपक्ष के पीछे लगे रहेंगे, 30 साल पुराना मुकदमा हो, 20 साल पुराना मुकदमा हो, उसको जेल भेज देंगे। तो इनको सुरक्षा पे समीक्षा करने का समय ही नहीं है, इसीलिए सुरक्षा नहीं करेगी। और जान अगर गई है तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी। हेल्थ का विभाग, ये दोनों महत्वपूर्ण विभाग है, बिजली का महत्वपूर्ण विभाग। मान लीजिए अगर हम पीएमडब्ल्यूडी की बात करें तो 30% पैसा खर्च नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सड़कें ऐसी होंगी जो नहीं बनी है या गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। अगर हम स्वास्थ्य का देखें तो स्वास्थ्य में भी 30% पैसा खर्च नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि जो मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जो अस्पतालों में छापा मार रहे हैं, उन्हें अस्पतालों में छापा नहीं मारना चाहिए, वो वित्त विभाग से पैसा मांगे। जब पैसा आएगा तो आपका द्रोलिया का सीएससी चलेगा, आपका मेडिकल कॉलेज चलेगा, क्योंकि एक ही के पास दोनों विभाग है। अगर बजट नहीं होगा तो डॉक्टर्स को क्या देंगे आप? टेस्ट हो नहीं रहे हैं, ऑपरेशन हो नहीं पा रहे हैं, दवाइयां हैं नहीं, मेडिकल कॉलेज की सुविधा कैसे बढ़े? मान लीजिए आजमगढ़ है, अगर आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को 200 करोड़ दे दें तो पूरे आजमगढ़ और आसपास के जिलों की मदद हो जाएगी। जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा था, वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस के लिए पैसा दे दें तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा दें। तो ये काम तो कर नहीं रहे हैं, केवल जनता को धोखा दे रहे हैं। कितनी शानदार यहाँ की सीएससी बनी होगी, 100-बेड हॉस्पिटल। और मेडिकल कॉलेज देखिए, पैरामेडिकल देखिए, आपके स्टाफ ही नहीं है, नर्सेस नहीं है, सब आउटसोर्स करे दे रहे हो आप, ऑपरेशन हो नहीं पा रहा टाइम पर, जांचेस टाइम पर नहीं हो पा रही, तो आप कर क्या रहे हो? स्वास्थ्य विभाग बर्बाद कर दिया। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन जानवर से एक्सीडेंट ना हो रहा हो। सोशल मीडिया रहेगा, और कहाँ ऑरकुट था, फेसबुक आया, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, पहले BBM आया, व्हाट्सएप आया, ये सोशल प्लेटफॉर्म पर ये चीजें बनी रहेंगी। वहीं सरकार की जरूरत ये है कि सरकार पॉलिटिकल काम ना करे, कम से कम एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करे जहाँ सच तो जाने, पता लगा सच भी वही है। हमारे मुख्यमंत्री नहीं देखा आपने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल करके आए, बोला कि समाजवादियों का टापू है कहीं, आइलैंड है। अरे भाई 2017 से पहले ये बात चलती थी। होटल है, ऐसा लग रहा है कि विटनेस में साइन करने हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे। जो टापू और होटल की बात कह रहे हैं, जो विटनेस में साइन होते हैं, लगता मुख्यमंत्री ने खुद किया था, वरना उनको कैसे जानकारी? अगर जानकारी है तो मैं आजमगढ़ में आज आया हूँ, मैं दोनों चीजें गिफ्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे, जैसी आधी अधूरी नौकरी मिलेगी। अग्निवीर, आउटसोर्स, प्राइवेटाइजेशन, अगर अग्निवीर की नौकरी है तो क्या ये आधी अधूरी नौकरी नहीं है? हमारा नौजवान
वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहता है और पक्की नौकरी चाहता है, लेकिन अग्निवीर से नौकरी पक्की नहीं मिल रही है, आउटसोर्स से नौकरी पक्की नहीं है, प्राइवेटाइजेशन से नौकरी पक्की नहीं है। तो नौजवानों को एक होकर करके देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा।